हेलो मित्रों, मैं हूं अंकुर सवाणी। आज हम बात करने वाले अमेजोन फुलफिलमेंट सेंटर के बारे में। आप अमेजोन से ऑर्डर तो करते हो, लेकिन वहाँ कैसे प्रोसेस होती है, आज उसके बारे में बात करने वाले। आइए चलिए तो करते हैं अमेजोन फुलफिलमेंट सेंटर के बारे में बात। यहाँ पे एक्सरसाइज हो रही है, सुबह आके सारे एसोसिएट एक्सरसाइज करते हैं यहाँ पे अमेजोन फुलफिलमेंट सेंटर में। ये आप देख रहे हो, सब लोग काम पे लग गए हैं। ये सेलर का माल इन हुआ है, बारकोड चेक के स्कैन करके उसको पैलेट में रखा जाता है। ये आप देख रहे हो, सारा सेलर का माल पेरोल पे रखा गया हुआ है। ये सारा माल सेलर का है। यहाँ पे उस पेरोल से आइटम ले जाती है, उसको चेक किया जाता है और अलग अलग कोर्ट में रखा जाता है। यहाँ पे आप देख रहे हो सारे कोर्ट, यहाँ पे कार्ड भरे हुए सारे आइटमों को। यहाँ पे सारे आइटम स्टोर होती है, बड़ी आइटम स्टोर होती है यहाँ पे। यहाँ पे कंपनी के हिसाब से नहीं, उसकी साइज आइटम की साइज के हिसाब से सारी आइटम स्टोर की जाती है। ये आप देख रहे हो, जब भी कस्टमर का ऑर्डर आता है तब भी उस जगह पे जाके उस आइटम को लिए जाती है और उसको टोट या कार्टून में बेचा जाता है पैकिंग के लिए। आप देख रहे हो पैकिंग हो रही है। We have about 170 million products on the website, right? There are algorithms which are always designed to identify for a particular size of a shipment what should be the ideal packaging. Where item is looked at as a dimension, we look at the dimension of the item. If that process, for example, there is a defect in that process, which is a very rare occurrence, but it could, then the dimension of the product would be shown differently in a system. And then actually when we are packing it, it will give a box size of that dimension. Package pack होने के बाद यहाँ पे sleeping label लगा जाता है, जहाँ पे पैक में उसका sleeping label लगता है। यहाँ पे आप देख रहे हो सारे पैकेज पड़े हुए हैं। यहाँ पे अलग अलग राज्यों के हिसाब से अलग अलग जगह पे रखा जाता है।